अभी हमसे पहले राजेंद्रा मालवा जी आए थे जो सब्जा मार्केट गए, भिंडा वगैरह लेकर गए और तरकारा बनाए, फिर रोटा के साथ खाया। हाँ, रोटा के साथ खाए जी, बड़ा अच्छा लगा। ये उम्र में ये झंझट, यही बात थी। हमारे अंकल बहुत बोला करते थे, मेरी आंटी है आज अंकल नहीं है। तो कुछ शेर जी। हाँ जी, मेरी गली में मतलब एक शायर है जो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। आ है बाबा, ये दाद दे रहे हैं, आए है कर रहे हैं कि तकलीफ है उन्हें, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं वो शायरी सुनाऊंगा आपको। जी जी, वो अपने हिसाब से मस्त तो रहते हैं, एकदम मलंग रहते हैं, मौला रहते हैं। एक्चुअली वो सुना रहे हम ये मान लें। हाँ अच्छा, हाँ, वो सुना रहे, वो सुना रहे। शेर ये है कि इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या। इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या, काम करूं के घूम के खाऊं, तेरे बाप तेरे का बाप क्या, क्या? नहीं तेरे बाप का क्या। शेर होगा, मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है। नहीं है, है नहीं। अभी शायरी है। मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है, लेकिन मैं छप्पर से जाऊं, तेरे बाबू क्या। दूसरा शेर। हाँ, देख रहे भैया, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है। देख रहे भैया, जेब में मेरी क्या, जलेबी खाए क्या। मैं शायरी सुना रहा हूँ कि मिठाई खिला रहा हूँ। देख रहे भैया, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है, तीनों शो पिक्चर में जाऊं, तेरे बाप क्या। कोई बनाए अस्तुरे से, कोई बनाए बिलेट से, अच्छा कोई बनाए अस्तुरे से, कोई बनाए बिलेट से, मैं चापर से दाढ़ी बनाऊं, तेरे बाप का क्या। तीसरा शेर जी, मेरा इष्टू, आहा मेरा इष्टू, मेरा सालन, पतीला भी मेरा है। किसका इष्टू है, आपका। जब मेरा है तो आप क्यों बोल रहे हैं। मेरा इष्टू, मेरा सालन, पतीला भी मेरा है, मैं अगले बरस गरमाऊं, तेरे बाप का क्या। तुम गर्मी में एसी लगाओ, अच्छा अच्छा लगाओ या बुरा है, मगर लगाओ। तुम गर्मी में एसी लगाओ, तुम बारिश में छतरी लगाओ, मैं सर्दी में कुल्फी खाऊं, तेरे बाप का क्या। बहुत अच्छे। मेरा सावर, मेरी बाल्टी, पानी भी मेरा है। मेरा सावर, मेरी बाल्टी, पानी भी मेरा है, मैं बाथरूम में लेट के नहाऊं, तेरे बाप का क्या। सभी को प्रणाम करता हूं जी, जेब में हाथ डाल के। आप सब में और मुझ में फर्क ये है कि आप सब कल्पना भी करते हैं, मैं आलसी आदमी हूँ, मैं कल्पना ही करता हूँ। क्या बात है भाई, क्या क्या क्या, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ। वो तो आलस से ही पता चलता है, और कोई विभाग आपके लिए हो भी नहीं सकता था। बताइए साहब, हमारी रेल यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है साहब, बोल रहे बोलो हो ही नहीं सकता। हाँ पहुँचा देती है रेल से। मैं तो एक बार आया इटारसी एक कार्यक्रम में, मुझे याद है, जिस रेल से आया और 7 बजे की ट्रेन 7 बजे पहुँच गई, और लोग माला लेके तैयार, पहली बार टाइम पे आई है। गार्ड के पास पहुंचे, गार्ड ने कहा माफ करो, शर्मिंदा मत करो, ये तो कल की थी जो आज आई है। 24 घंटे बाद। मैं तो रेलवे में नौकरी करता, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूँ, 100 साल का आइटम आया। बोले 7 सितंबर 2017 मेरा रिजर्वेशन कर दो। अच्छा। मैंने कहा काका कहाँ जाओगे। बोले शादी की गोल्डन जुबली है, हरिद्वार जाना है। मैंने कहा 17 तक टिके रहोगे। अरे बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो हरिद्वार तो जाना ही है। वाह 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 वाह,
बंदा, क्या बात है भाई, क्या गए गुरु? इसलिए अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। बोल जे। अभी क्या हुआ शैलेश जी, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। अच्छा, तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। तो भाई साहब, किसी ने शिकवा किया ना गेला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घरे ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोले। अच्छा, अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होंठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले, भाड़ में जाए यार कौन बोले। बाबा बाबा बाबा, बड़ा अजीब मामला निकल कर के आता है जी। अब आप तो बार बार मेरे को फोन कर करके बोले वो राजेंद्र माल भी आ गए का। मैंने कहा आ गया, बोलो खाने में क्या भिजवाए। मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। यार कौन चबाए। एक बार तो नाई की दुकान पर गया दुबे जी, अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही काट दे। अलग अलग तरह की बात है। एक बार फांसी हो गई। किसको? तुमको? कल्पना में। जज साहब बोले मालवी जी जाते जाते कोई आखिरी शौक फरमाएंगे। मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जज साहब बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल के बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी। बढ़िया बढ़िया। एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में। सपने में मेरा जो कुछ भी होता सपने में ही होता। तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने नाड़ी वाड़ी टटोली, बोले कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवान, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ, दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खाली पेट खाओ, चौथे दिन ठीक हो जाओगे बच्चा। मैंने कहा वैद्य जी इतना काम करने से तो मर जाना ही अच्छा। नेता लोग आते बोले हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। हमारी माने का तुम्हें क्या वोट दें? एक बार वोट दो तो तुम 5 साल के बाद आते हो। नेता बोला ऐसी क्या बात है माता जी, आजकल तो हम हर साल आते हैं। बोले इधर सरकार गिरी और हम हाजिर, कोई समस्या हो तो बताओ। हमारे माने का कोई समस्या नहीं है, मेरा बेटा है आलसी है, पेड़ पे चढ़ा है, नीचे नहीं उतर रहा है, उसको उतार के ले जाओ। आओ सैले जी मेरे पास आए, बोले तू नीचे उतर। मैंने कहा मैं नीचे क्यों उतरूं? मैं तो आलसी हूँ। बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे? मैंने कहा मैं पेड़ पे कहाँ चढ़ा था, मैं तो जमीन पे पड़ा था और मुझे क्या मालूम के नीचे एक बीज गड़ा था। पूरे देश के लोग अखबार पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अखबार में एक समाचार आया, आपराधिक मानसिकता के नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो दो नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो दूसरा नेता बोला तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी।
क्या बात है, वाह 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 वाह, सही बात है। चुनाव हार कर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी ही चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।